नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे गुजरात में लोक देवता के तौर पर प्रचलित वीर योद्धा वत्सराज सोलंकी के इतिहास के बारे में। गुजरात वीरों की भूमि है, उनमें से ही एक वीर है वत्सराज सोलंकी। उन्होंने अपना सारा जीवन गायों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। आगे हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि कैसे वो वीर योद्धा बने और कहां उनका स्थान है। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रोचक कथा है तो हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी में हिंदी में लिखकर भेजें। अगर आपकी कथा हमें पसंद आई तो हम उस पर रिसर्च करके वीडियो बनाएंगे और आपको शब्दबाण की तरफ से एक प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाएगा। और साथ ही वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि यह कहानी हमें किसने और कहां से भेजी है। यह स्थानक गुजरात में सालों से ही हिंदू व मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यह स्थानक वाछरा दादा के नाम से भी प्रचलित है। यह मूल स्थानक कच्छ के छोटे रेगिस्तान में वाछरा बेट पर स्थित है, जहां पर चारों तरफ रेत के अलावा कुछ नहीं है और बरसात के चार महीने वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि इस समय यह बेट चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। आमतौर पर रेगिस्तान में कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, लेकिन यहां पर बहुत से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस जगह पर लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पे लोग कच्छ, कठियावाड़ और गुजरात सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। इसी बेट पे वीर वत्सराज दादा का मंदिर गौशाला एवं धर्मशाला है। इसी मंदिर के पास कुत्ते और ढोली की भी समाधि है। आज भी अगर आप इस समाधि के पास कान लगा के सुनेंगे तो आपको ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपको कुत्ता काटता है तो आप वाछरा दादा की मन्नत मानते हैं तो आपको आराम हो जाएगा और फिर आपको यहाँ के दर्शन करने होते हैं। इस बैट पर बहुत सी प्राचीन निशानियाँ मौजूद हैं। यहाँ की गौशाला की 2700 गायों को बांधा नहीं जाता है, वे खुले में ही घूमती हैं और शाम को वापस आ जाती हैं। वाछरा दादा आज भी किसी न किसी तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई रेगिस्तान में गुम हो जाता है तो उनको कुत्ते के रूप में आके रास्ता दिखाते हैं। और ऐसी ही कई चमत्कार की कहानियां मौजूद हैं। अभी जानते हैं वीर योद्धा वत्सराज सोलंकी का इतिहास। आज से 950 साल पहले गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के कालरी गांव में सोलंकी राजपूत हथीजी का राज था। वे काफी धर्मप्रिय थे, लेकिन उनके यहां कोई संतान नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने मथुरा की जमुना नदी में अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे नदी के पानी को छूने लगे, आकाशवाणी हुई कि आपके घर एक दिव्य पुरुष अवतार लेने वाला है। इसके बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम से बलराज रखा। उसके साल भर बाद सोमवार के दिन वत्सराज का जन्म हुआ। उनके जन्म से सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ उठी। जब बालक वत्सराज किशोर अवस्था में आए तब वे गौ सेवा के लिए काफी प्रचलित थे। कुछ साल बाद वहां पे भयानक अकाल पड़ा, तब जानवर तो ठीक, इंसानों के लिए भी खाना और पानी की समस्या हो गई। कालरी गांव से 5-7 मील दूर वडावली गांव में थे, तब धरती में से आवाज आई और कहा कि अपने दाएं पांव से भाले को जमीन में गाड़ दें, यहां पे मीठे पानी की धार निकलेगी और इससे सारे इलाके में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। और आज यह मीठे पानी का स्रोत मीठी बिरडी के नाम से प्रचलित है। कुछ साल बाद जब वत्सराज युवा हुए तब वे अपना पूरा समय गाय की सेवा में बिताने लगे। एक बार उनके बड़े भाई के ससुराल से मेहमान आए हुए थे और वे जब खाना खाने बैठे तब ग्वाला दौड़ते हुए आया और बोले, मेरी गाय को बचाइए, वो कीचड़ में फंस गई है। इतना सुनते ही वे अपनी रतन घोड़ी के साथ निकले और वहां पहुंचते ही उन्होंने रस्सी के एक छोर को अपनी कमर से बांधा और दूसरे छोर को अपनी घोड़ी से बांधा। कीचड़ में कूदने के बाद उन्होंने रस्सी के एक छोर को गाय पे बांध दिया और अपनी घोड़ी को आवाज़ लगाई। घोड़ी ने अपना सारा जोर लगाया
और वह गाय कीचड़ से बाहर निकल गई। उनकी यह वीरता देखकर आए हुए मेहमानों में से किसी ने कहा कि बड़ियार में गाय के लुटेरे आते हैं और गायों को लूट कर ले जाते हैं। इतना सुनते ही उन्होंने निर्णय किया कि वे गायों को किसी भी कीमत पर ले जाने नहीं देंगे और उनकी रक्षा करेंगे। वत्सराज सोलंकी अपनी प्रिय 5-7 गायों को लेकर उनके मामा के घर बड़ियार चल दिए। देखते ही देखते उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और लुटेरे वहां आने से डरने लगे। वे गौरक्षा और सेवा के चलते बहुत ही प्रचलित थे। इसके बाद उनकी शादी उनके मामा के संबंधी की बेटी पुनाबा के साथ तय हुई। उनकी शादी के दिन वे बारात लेकर कुंवर गांव पहुंचे। उनकी शादी में बहुत से राजपूत और सोलंकी मेहमान आए हुए थे। शादी के दौरान तीसरे फेरे से पहले वत्सराज सोलंकी ने रतन घोड़ी ने जोर से घुरकी ली। तब वे समझ गए कि कुछ अशुभ होने वाला है। तभी सुनाई दिया कि कुंवर गांव की सारी गांव को लुटेरे ले जा रहे हैं। गायों का नाम सुनते ही शादी के मंडप से अपनी वरमाला तोड़ के अपनी तलवार लेकर घोड़ी पर सवार हो गए। उन्होंने गायों के लुटेरों को देखा और उनको मार के सारी गायों को बचा लिया। जब वे वापस आए तब एक चारण आई और उसने विलाप करते हुए कहा कि सारी गायें वापस आ गई हैं, लेकिन उनकी बेगड़ गायें वापस नहीं आई। इतना सुनते ही उनका राजपूत खून खोला और फिर से लुटेरों के साथ दो दो हाथ करने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस बार उनके पीछे देवलबाई, उनकी पत्नी पुनाद्रे और सारी राजपूत सेना थी। वत्सराज ने रुद्र रूप धारण कर लिया और यह देख के लुटेरों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का रास्ता अपनाया। वापस लौटते समय एक लुटेरे ने पीछे से आकर उन पर वार किया और उनका सर धड़ से अलग हो गया। सर कटने के बावजूद उन्होंने लड़ते लड़ते 17 लुटेरों को मार डाला। उनका कटा सिर गोखरी बैट पर गिरा और उनका धड़ आज के वाचरा बैट पे आके गिरा। घोड़ी के पैर के निशान की मदद से देवलबाई, नववधू पुनादे और राजपूत फौज उनके कटे सर के पास पहुंची। उनकी पत्नी पुनादे ने अपने सारी के पल्लों से अपने दोनों हाथों से उनके सिर को उठा लिया और धड़ के पास ले आए। इतने में ही सती देवलबाई ने रेगिस्तान में अपने दोनों हाथों से रेत उठाई और वत्सराज को फिर से जीवित करने जा रही थी। तब वत्सराज का सिर बोला, उनका जीवन यहाँ पूरा हुआ और अगले जन्म में फिर से गाय की सेवा करनी है। इतना सुनते ही देवलबाई ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके देह को समाधि देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही सती देवलबाई और सती पुनादे ने भी समाधि ले ली। ऐसे में कालरी गांव से आए लोग, ढोल बजाने वाले हीरा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके साथ साथ लुटेरों के सामने युद्ध में वत्सराज के साथी बने मोती कुत्ते और रतन घोड़ी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सती देवलबाई ने कुत्ते को आशीर्वाद देते हुए कहा कि किसी को भी अगर कुत्ता काटेगा और वह यहाँ पर आएगा तो उसका जहर उतर जाएगा। सती देवलबाई ने ग्वाला पांचा पांचण को कहा कि यह मेरी गाय बेगड़ की सेवा करना और उसका वंश आगे बढ़ाना। आज इस जगह की सारी गायें उसी गाय की वंशज हैं। यहाँ का प्रसाद आप बाहर नहीं ले जा सकते, अगर कोई ले जाता है तो यह प्रसाद पत्थर बन जाता है। बात है संवत 1643 की, जब जयपुर के धर्मदास नाम के एक वाणिज्य शत्रुंज जाने के लिए संघ लेके जा रहे थे। तब वे रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचकर घूम गए और रास्ता भटक गए। 7 दिन रेगिस्तान में घूमने के बाद भी वे बाहर का रास्ता नहीं खोज पाए। जब खाना और पानी कम होने लगा तब गाइड ने कहा कि आप वीर दादा को विनती कीजिए कि बाहर जाने का रास्ता बताएं, और मन्नत भी मांगी कि वे मंदिर आके 11 मौन के लड्डू चढ़ाएंगे। और इसके बाद दूर से घुड़सवार आया और उनका बाहर का रास्ता दिखाया। वे लोग मंदिर पहुंचे और मन्नत के मुताबिक लड्डू चढ़ाए और लड्डू कुछ बच गए तो उन्हें अपने साथ आगे के प्रवास के लिए ले जाने लगे। लेकिन उनको वहां के लोगों ने बताया कि आप प्रसाद बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन वे माने नहीं और प्रसाद बाहर ले गए। मंदिर के बाहर निकलते ही वे प्रसाद के लड्डू पत्थर बन गए। वे वापस आए और वीर वत्सराज दादा की माफी मांगी और वापस जयपुर जाकर उनका भव्य मंदिर बनाया। आज भी वे पत्थर के लड्डू मौजूद हैं और उसी वणिक के वंशजों ने दिल्ली में भी वीर वत्सराज का सुंदर आरस का मंदिर बनाया है। यहाँ की गायों के दूध का व्यापार नहीं होता और उसका आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस्तेमाल होता है। बारिश खत्म होने के बाद यहाँ के स्वयंसेवक रास्ते में नमक में दोनों तरफ ध्वजा लगा के वाचरा बैठ तक जाने का रास्ता बनाते हैं।
यहां पर हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। आशा रखता हूं यह अनसुनी कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल शब्दबाण को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एक बार फिर आपसे विनती करूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी मन्नत या ऐसे वीर पुरुष या नारी हुए हैं तो उनकी कहानी हमारे साथ साझा जरूर करें ताकि हम हमारे देशवासियों को उनके बारे में बता सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प और सुने अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।